हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग बजाज पल्सर NS160 के बारे में। गाइस, इंडियन मार्केट में अभी बाइक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों, हर एक ब्रांड अपनी बाइक को अपग्रेड कर इंडियन मार्केट में उतारते जा रहा है, तो ऑब्वियसली बताया गई इस NS160 भी बहुत जल्द अपडेट हो सकती है। इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या प्राइस रहेगा, क्या लॉन्च डेट रहेगा, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS160 के बारे में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उनके लिए जो NS160 का वेट कर रहे हैं कि वो अपडेट कब होकर आए और हम उस बाइक को परचेज़ करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन बजाज पल्सर NS160 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग बजाज पल्सर NS160 के बारे में। देखिए दोस्तों, NS जो 160 है, अभी तक इसमें बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब बाइक जब से आ रही है ना, तब से बाइक में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बाइक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है और वो है कलर ऑप्शन। उसके सिवा बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया बजाज की तरफ से। तो दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट लगता है कि बजाज इस बाइक में थोड़ा सा चेंज करे, क्योंकि अदर जो कंपनी है जिसने भी 160 बाइक उतारी है इंडियन मार्केट में, उन्होंने भाई टाइम टू टाइम अपडेट किया और बहुत सारे फीचर्स दिए, जैसे कि डिजिटल मीटर हो गया और LED इंडिकेटर हो गया, LED लाइट्स हो गई, कई तो राइडिंग मोड दे दिया TVS ने, तो बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें NS160 के बारे में कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बाइक में, दोस्तों सबसे पहला चेंज होने वाला है इस बाइक के लुक पे। देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपनी बाइक को अपग्रेड करती है या उसमें कोई चेंज करती है, तो सबसे पहले बाइक के लुक में चेंज किया जाता है, तो ही उसकी पहचान हो पाती है कि बाइक नया अपडेट होकर आई है। तो दोस्तों, NS160 में जो सबसे पहला चेंज आपको मिलने वाला है, वो मिलने वाला बाइक का लुक दिया। इस बार दोस्तों NS160 थोड़ी सी चेंज होगी और यहाँ पे दोस्तों बजाज इस बाइक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने के मूड में है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात होती है कि भाई कैसा चेंज किया जाएगा, कैसा डिज़ाइन बनाया जाएगा, क्योंकि अभी बजाज की जितनी डिज़ाइन आ रही है वो लोगों को उतना पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों, NS160 है, इस बार डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छी दिखने वाली और पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें तो है दोस्तों बाइक का पावर। देखिए दोस्तों, इंडियन मार्केट में NS160 एक टाइम में सबसे ज़्यादा 160 सेगमेंट की बाइक थी, लेकिन दोस्तों जब से अपाचे 160 आई है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं रही है। अभी NS160 में लगभग गाइस 17 BHP के आसपास का पावर आता है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो नई वाली NS160 है, उसमें आप लोगों को लगभग 18 BHP के आसपास का पावर देखने को मिल सकता है। 18 BHP के आसपास का जो पावर है वो आपको NS160 में देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में काफ़ी बेहतर देखने को मिली और काफ़ी पावरफुल देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स। अब दोस्तों, इंडियन मार्केट में हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे, कोई भी बाइक आप देखेंगे, तो सभी में आप लोगों को LED लाइट्स देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, NS160 में अभी तक आप लोगों को LED लाइट देखने को नहीं मिलती। तो बात आती है कि NS200 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 110% बजाज पल्सर NS160 में आप लोगों को LED लाइट विद LED इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों अगर नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो वो होने वाले दोस्तों बाइक के स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर में भी बहुत दिनों से बाइक में कोई अपडेट नहीं आया, नॉर्मली बजाज शुरू से इस बाइक को ऐसे ही दे रहा है जैसे ही शुरू से आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, तो इसमें आपको हो सकता है एनालॉग विद डिजिटल मीटर ही मिलेगा, लेकिन इस बार जो डिजिटल मीटर यूज़ किया जाएगा एनालॉग के साथ में, वो आपको थोड़ा नया देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर मिलेगा, माइलेज इंडिकेटर मिलेगा, ये सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली बात है भाई, NS160 को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है इंडियन मार्केट में। बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वह है दोस्तों बाइक की ब्रेकिंग। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार बजाज जो रहेगी वो अपनी NS160 में ब्रेकिंग और भी इम्प्रूव करेगी। अभी आपको ब्रेकिंग मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ में, जो बाकी जो प्लेट साइज मिलती है 260 mm के आसपास की मिलती है, जो कि काफ़ी छोटी मानी जाती है। तो इस बार दोस्तों NS160 में आप लोगों को लगभग 280 mm के आसपास की प्लेट साइज देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे दोस्तों इंडियन मार्केट में NS160 की काफ़ी डिमांड भी बढ़ रही है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर बात करें नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो वो
रहेंगे दोस्तों बाइक के सीट। देखिए इस बार जो उसके सीट आते हैं ना उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और बहुत ही हार्ड आते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब ये कंप्लेंट रहती है कि NS160 की जो सीट है वो थोड़े से बेटर होनी चाहिए, थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए और थोड़े से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये भी एक चेंजेस आपको NS160 में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करें बाइक के प्राइस के बारे में कि कितना प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई NS160 अगर चेंज होकर आएगी तो प्राइस तो बढ़ना ही है। तो इस बाइक का जो प्राइस रहेगा वो ऑलमोस्ट मान लीजिए मेरे हिसाब से लगभग 10,000 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस है वो इंडियन मार्केट में बजाज बढ़ा सकती है अपने बाइक को। दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों ये बाइक लगभग 4 से 5 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी शोरूम में इस बाइक की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो भाई कोई भी कंपनी चेंज करने के मूड में इसलिए उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है, तो बहुत जल्द आपको नई बजाज पल्सर NS160 देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके ना आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।